بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين زبان تا بود در دہاں جائے گیر زبان تا بود در دہاں جائے گیر سنائے محمد صلی اللہ سنائے محمد بود دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود متقی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر ور حسابم رات بینی نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ قاسم الانوار حضرت زاہد کا یہی دربار ہے نور سے پر نور ہے اور فیض کا گلزار ہے اے کہ طالب گر تجھے وصل خدا درکار ہے خاک پائے مہڑوی بن جا تو بیڑا پار ہے ہوتا اسی کو ہی حاصل لذت و دیدار ہے جو کہ صدق دل سے اس در کا سگے دربار ہے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی احباب باواز بلند پڑھی ہے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا بنا لیا ہم نے نقش پائے حضور اقدس کو نقش پائے حضور اقدس کو اپنا کعبہ بنا لیا ہم نے اپنا کعبہ بنا لیا ہم نے دل مدینہ بنا ہم نے
अल्लाह तबारक व ताला की हमदो सना के बाद दुरूद ला महदूद जनाब अहमद मुज्तबा सैदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदियातन नजरानतन अकीदतन पेश करने के बाद हजरत गिरामी दुआ है कि रब्बे करीम हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को सुन सुना के दुनिया व आखरत में कामयाबी अता फरमाए। हजरत गिरामी, यह आज की पुरनूर तकरीब 58वां जलसा चादर फजीलत व दस्तार फजीलत व उर्से पाक मशाइख मोड़ा शरीफ जो कि इस मरकज़ी जामिया मस्जिद उस्मान गनी व जामिया कासमिया ज़ाहदिया में मुनक़िद है, जिसकी सदारत हुजूर सैयद हसन रज़ा शाह साहब आप फरमा रहे हैं और इसकी ज़ेर नगरानी खलीफा कारी गुलाम मुस्तफ़ा कासमी साहब जो कि मेरे वालिद मोहतरम हैं आप इसकी निगरानी फरमा रहे हैं, तो मैं इस जामिया की तरफ से, जामिया के तलबा की तरफ से और अंजमन मुहिबान तरीकत इंटरनेशनल मोड़ा शरीफ हल्का ख्याली शाहपुर की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिन हुफाज किराम जिन्होंने कुरान पाक की तलीम हासिल की और तालिबात जिन्होंने नाजरा तर्जमा तफसीर इस जामिया से हासिल की उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है कि रब करीम उन सब के इलम अमल उम्र में बरकतें वसतें बुलंदियाँ अता फरमाए और उन सब को दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए और उनके वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अपनी औलाद को नेक साले काम के लिए मुंतखब फरमाया और ऐसे काम के लिए अपनी औलाद को लगाया जो कि अम्बिया की विरासत है। हजरत गिरामी, ये दीन के तालिब इलम कोई आम तालिब इलम नहीं है, इनकी कोई आम मर्तबा नहीं है, इनका अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में भी बड़ा बुलंद मुकाम है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में भी बड़ा बुलंद मुकाम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब एक दीन का तालिब इल्म अपने घर से दीन हासिल करने की नीयत से निकलता है तो अल्लाह तबारक व ताला की नूरी मखलूक फरिश्तों की एक जमात उस तालिब इल्म के कदमों में अपने परों को बिछाने में फख्र महसूस करती है और एक दूसरे से बढ़कर अपने परों को उस तालिबे इलम के कदमों में बिछाती है और इसमें फख्र महसूस करती है। हजरत गिरामी, ये तालिबे इलम कोई आम नहीं है, ये वो तालिबे इलम हैं, ये दीन के ऐसे तालिबे इलम हैं कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व ताला की कायनात की हर चीज़ इनके लिए दुआएं करती है, इनकी बख्शिश की दुआएं करती है, इनकी मगफिरत की दुआएं करती है, इनकी सेहत व तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी की दुआएं करती है। ये कोई आम तालिबे इलम नहीं है, ये बल्कि दीन के तालिबे इलम है और ये ऐसे तालिबे इलम हैं कि कायनात में मौजूद हर चीज़ इनके लिए दुआएं करती है, हत्ता के आसमान में उड़ने वाले परिंदे भी इनके लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं, समंदर में तैरने वाली मछलियां भी, हत्ता के हशरातुल अर्द जमीन की हर चीज इनके लिए दुआएं करती है। हजरत गिरामी, और ये सब इनको किस वजह से मिला है? सुभान अल्लाह, ये सारा कुछ इनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी से मिला है। अल्लाह तबारक व ताला का एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमको बिन मांगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती मुसलमान पैदा फरमाया है। अगर अल्लाह तबारक व ताला चाहता तो हमें किसी हिंदू के घर पैदा फरमा देता, अगर अल्लाह तबारक व ताला चाहता हमें किसी सिख के घर पैदा फरमा देता, अगर हम किसी हिंदू के घर पैदा होते सारी ज़िंदगी गाय का पेशाब पीते रहते, हमें कोई शऊर ना होता, अल्लाह तबारक व ताला हमें किसी बद मज़हब अंग्रेज़ के घर में पैदा कर देता, हम सारी ज़िंदगी हराम चीज़ों को खाते रहते और उनमें फ़ख्र महसूस करते, अल्लाह तबारक व ताला की हलाल करदा चीज़ों को छोड़ के हराम चीज़ें खाते रहते, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने हम पे ऐसा फजल करीम फरमाया है, अल्लाह तबारक व ताला ने अपना ऐसा फजल करम हम पे फरमाया है कि बिन मांगे हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती मुसलमान पैदा फरमाया है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं पैदा फरमाया, फिर ऐसा मुसलमान पैदा फरमाया है जो अल्लाह वालों से प्यार करने वाला है, जो अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने वाला है, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई करने वाला है, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तराने गाने वाला है, ऐसा मुसलमान पैदा फरमाया है जो खुद अल्लाह तबारक व ताला को पसंद है। हजरत गिरामी, और ये सारा कुछ
हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहि सलातु व सलाम के वसीला से अता फरमाया है। कौन हुजूर अलैहि सलातु व सलाम? वो हुजूर अलैहि सलातु व सलाम के जिनके बारे में हदीस कुदसी है, खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मुझे चाहत हुई, जब मेरा इरादा हुआ कि मैं इस पूरी कायनात को बनाऊं, इस ज़मीन व आसमान अपनी तमाम मामलात को पैदा फरमाऊं, अल्लाह तबारक व तआला को जब इस मामला की हाजत चाहत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने, मुझे इस बात की भी चाहत हुई कि कोई ऐसा हो जो मुझे पहचाने और लोगों को मेरे बारे में बताए, कोई ऐसा हो जो मुझसे लिए जाए और लोगों को दिए जाए, मैं उसको अता करूं और वो कासिम हो, वो बांटने वाला हो, वो आने वाले हर एक को अता करने वाला हो। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला व अम्मा साइला फलातन, हर की शान वाला हो, जो आने वाले को झिड़कियां ना देने वाला हो बल्कि आने वाले की तमन्ना से ज़्यादा उसे अता करने वाला हो। कोई ऐसा हो जो मेरी लिल्लाहियत वहदानियत की लोगों को दरस दे, लोगों को मेरे बारे में बताए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया फअहबबतु अन उरफा, बस मुझे चाहत हुई, मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो रब्बे करीम फरमाता है फखलकतु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमत ओ शान ए मुस्तफा, रब्बे जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। रब्बे करीम फरमाता है फखलकतु मुहम्मदन, बस मैंने जब मुझे इस चीज की चाहत हुई तो फिर मैंने पूरी आलमे अरवाह में नज़र दौड़ाई, फिर मैंने फखलकतु मुहम्मदन, बस मैंने अपने महबूब जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, ताकि जो के वजह तख्लीक कायनात भी हैं, जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इस सारी कायनात को पैदा फरमाया। तो हुजूर अलैहि सलातु वसलाम, आज लोग कहते हैं कि हुजूर अलैहि सलातु वसलाम वफात पा चुके हैं, लेकिन हुजूर अलैहि सलातु वसलाम ने खुद फरमाया, आप फरमाते हैं कुंतु नबियं व आदम बैन रूही वल जसद, कि मैं उस वक़्त भी नबी था कि जब हजरत आदम अलैहि सलातु वसलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, अल्लाह तबारक व ताला के महबूब जनाब अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलातु वसलाम फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों, मुझ पे दरूद व सलाम की कसरत किया करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद व सलाम मुझ पे डायरेक्टली पहुँच जाता है। हुजूर अलैहि सलातु वसलाम फरमाते हैं कि मेरा जो उम्मती मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ता है, उसके दुरूद व सलाम पढ़ने से, पढ़ के फारिग होने से पहले अल्लाह तबारक व ताला उस दुरूद व सलाम को मेरे तक पहुंचा देता है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है जो सुबह शाम मेरी बारगाह में, मेरे उम्मती जो मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं वो मेरी बारगाह में पेश करते हैं। तो यहाँ पे जो हुजूर अलैहि सलातु वसलाम के हयात के कायल नहीं है, वो लोग यहाँ पे एतराज़ करते हैं कि जब हुजूर अलैहि सलातु वसलाम को फरिश्ते पहुँचाते हैं, हुजूर अलैहि सलातु वसलाम अगर खुद सुन सकते तो फरिश्ते क्यों पहुँचाते? तो उन लोगों से मेरा सवाल है कि आप ये कहते हो कि फरिश्ते पहुँचाते हैं इसलिए हुजूर नहीं सुन सकते, तो मैं उनसे कहता हूँ कि रोज़ सुबह शाम अल्लाह तबारक व ताला ने जिन फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है, जो सारा दिन हमारा नामा आमाल लिखते हैं, तो जो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हमारा नामा आमाल पेश करते हैं, जब उन फरिश्तों के अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हमारे नामा आमाल पेश करने से, लिखकर पेश करने से इल्मे खुदा की नफ़ी नहीं होती, तो जो फरिश्ते हुज़ूर अलैहि सलातु वसलाम की बारगाह में हमारा दुरूद व सलाम पेश करते हैं, उनसे हुज़ूर अलैहि सलातु वसलाम के इल्म की भी नफ़ी नहीं होती। हुज़ूर अलैहि सलातु वसलाम ने एक और मकाम पर फरमाया,
मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझ पर दुरूद व सलाम की कसरत किया करो, तुम्हारा दुरूद व सलाम मुझ पर पहुँचता है। हज़रत अबू दर्दा फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंतु बादल मौत, या रसूलल्लाह क्या मौत के बाद भी हमारा दुरूद व सलाम आप पर पहुंचाया जाएगा? तो मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिए और इस पर अमल कीजिए और अकीदे अब मन गढ़त ना बनाइए, बल्कि अकीदे वो बनाइए जो हमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर्रमा अलल अर्दी अंताकुला इसादल अंबिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू दर्दा से फरमाया कि ऐ अबू दर्दा, अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबीउल्लाह हय्युन युर्ज़क, और अल्लाह के नबी जिंदा हैं और अल्लाह तबारक व ताला की जनाब से उन्हें रिज़क भी अता किया जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा, दरबारे आलिया मोड़ा शरीफ, दरबारे आलिया हुसैनिया सल्लो की शरीफ, और तमाम अहबाब ज़ौक से बैठिए हुजूर की सनाखानी से। हज़रात ग्रामी, एक और मकाम पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सियासिता की हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा उम्मती जब मुझ पे दरूद व सलाम पेश करता है तो वो दरूद व सलाम मुझ तक उसी वक़्त पहुंच जाता है और मैं खुद उसको सुनता हूं, और उस सुनने की वजह यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी रूह मेरे जिस्म में दोबारा लौटा दी हुई है, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे दोबारा ज़िंदा कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से मैं अपने उम्मती के दुरूद व सलाम को खुद सुनता हूँ। तो यहाँ पर अगर ज़हन में एक सवाल आए कि अगर अल्लाह तबारक व ताला ने लौटानी ही थी तो निकाली क्यों, और अगर निकाली थी तो लौटाई क्यों, तो इसका बड़ा ही लतीफ़ जवाब है जो आप, अगर आप अहबाब ज़रा गौर से समाज फरमाएंगे तो इंशाल्लाह मेरा जो आपको इस बात का सुनाना है वो मकसद हल हो जाएगा। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इस हदीस के मुतल्लक, अगर किसी के जहन में ये आए कि अगर अल्लाह तबारक व ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़िंदा फरमाना था तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पहले चंद एक लम्हा के लिए मौत क्यों आई, और अगर आनी ही थी तो दोबारा क्यों ज़िंदा किया, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिस्म से रूह मुस्तफ़ा को एक लम्हा के लिए इसलिए निकाला ताकि हर नफ्स पे एक मरतबा मौत का जायका चखना लाजिम आ जाए। तो मेरा विजदान ये कहता है कि मौत हुज़ूर अलैहिस्सलाम को नहीं आई, बल्कि मौत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मौत का जायका नहीं चखा, बल्कि मौत लबे मुस्तफ़ा को चूमने आई थी, मौत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लबों को चूमने आई थी। जायका लबे मुस्तफ़ा, मौत जो है जायका लबे मुस्तफ़ा हासिल करने आई थी, इसलिए एक लम्हा के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मौत आई। और अगर जेन में ये सवाल आए कि अल्लाह तबारक व ताला ने फिर लौटा क्यों दी थी, तो इसका जवाब ये है कि रब्बे करीम कुरान करीम में 30वां सपारा है सूरह वद्दुहा में, रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, जो आया मुकद्दसा आप अहबाब के सामने मैंने पढ़ी थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में रब्बे करीम फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल उला, कि या रसूलल्लाह आपकी बाद वाली घड़ियाँ आपकी पहली वाली घड़ियों से बेहतर होंगी, आपका बाद वाला ज़माना पहले ज़माने से बेहतर होगा। तो मेरा विजदान कहता है कि रूह मुस्तफ़ा जब जिस्मे मुस्तफ़ा से निकली होगी तो रूह मुस्तफ़ा बारगाह खुदा में गई होगी और अर्ज़ किया होगा, या बारी ताला तेरा मुझसे वादा है, वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल उला, कि या अल्लाह तूने मुझसे वादा किया है कि तेरी पहली घड़ियों से तेरी बाद वाली घड़ियाँ अफजल होंगी, तेरी बाद वाला ज़माना बेहतर होगा, तो तेरा मुझसे वादा है, वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल उला, या अल्लाह
मैं 63 साल तक जिसमें मुस्तफ़ा में रहती रही हूँ। या अल्लाह, मैंने 63 साल जिसमें मुस्तफ़ा में गुजारे हैं, मैंने तेरी पूरी कायनात देखी है, अर्श देखा है, फर्श देखा है, लामकां देखा है। या अल्लाह, मैंने कायनात की हर चीज़ देखी है। मैंने तेरी पूरी कायनात में जिसमें मुस्तफ़ा से बेहतर किसी जगह को नहीं पाया। या अल्लाह, तेरी पूरी कायनात में जिसमें मुस्तफ़ा से बेहतर अगर कोई जगह अर्श पे, फर्श पे, मकाम में, लामकाम में, अगर किसी जगह पे, तेरी पूरी कायनात में जिसमें मुस्तफ़ा से बेहतर कोई जगह है तो उधर लौटा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया होगा, अल्लाह तबारक व तआला से जब रूह मुस्तफ़ा ने फरमाया, अर्ज की होगी कि या बारी ताला, अगर जिसमें मुस्तफ़ा से बेहतर तेरी पूरी रूह ज़मीन में, तेरी पूरी कायनात में जिसमें मुस्तफ़ा से बेहतर कोई जगह है तो उधर लौटा दे, वरना मुझे जिसमें मुस्तफ़ा में ही लौटा दे। तो रब्बे करीम ने फरमाया होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया होगा कि ऐ रूह मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के जिस्म से बेहतर तो किसी चीज़ को मैंने पैदा ही नहीं फरमाया। ना अर्श में कोई चीज़ रूह मुस्तफ़ा से बेहतर, जिसमें मुस्तफ़ा से बेहतर है, ना ही फर्श में, ना मकाम में, ना ही ला मकाम में, किसी जगह पे जिसमें मुस्तफ़ा से बेहतर कोई जगह नहीं है। ऐ रूह मुस्तफ़ा, जा पलट जा, जिसमें मुस्तफ़ा में चली जा, क्योंकि मेरी पूरी कायनात में जिसमें मुस्तफ़ा से बेहतर कोई जगह नहीं है। तो जिसमें मुस्तफ़ा में जब रूह मुस्तफ़ा पलट गई तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारा दुरूद व सलाम पढ़ना भी सुनते हैं, हमारे अहवाल को भी जानते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तवसल से अल्लाह तबारक व ताला हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।